हेलो सिद्धार्थ, सब लोग आराम कर रहे हैं लाइन से। सिद्धार्थ स्टोरी बुक रीड कर रहा है, उसके लिए न्यू स्टोरी बुक आई है अमेजोन से, आधी रीड हो गई है। नहीं बहुत ज्यादा अच्छी है, आधी भी नहीं हुई। कितनी, आधी से कम हुई है? बहुत कम। कैसी लग रही है तुम्हें स्टोरी बुक? हाँ बड़ी अच्छी है, छोड़ ही नहीं रहा है उसको। चलो शाम की चाय पे मिलते हैं। अभी अभी चिल आउट चल रहा है पिछले एक घंटे से। अभी कुछ पड़ा नहीं है, तो हमारी चाय चढ़ गई है जिसमें सिर्फ अभी पानी है, अभी और चीज़ें डालनी है इसके अंदर। खाऊंगी। खाओ इसको, ख़त्म करो पहले, काम करने के लिए फटाफट तैयार। पहले खाओ इसको, ये लो पहले खाओ, लाओ मुझे दो ये सारा। मैं सब सारी भूलें निकाल दूँगी। हाँ मैं कर दूँगी। जो है वो टूट गया है, बड़ा वाला बहुत दिन से टूटा हुआ है, और एक उसका जो लेग होता है वो टूट गया था। तो उसको बनाने के लिए मैंने दिया, काम चल रहा था मेरा, उसको बनाने के लिए मैंने बोला हस्बैंड को किसको ठीक कर दो। कुछ हमने यूट्यूब पे प्रोसेस देखा था कैसे ठीक होता है, उसको तो ठीक किया और दूसरा तोड़ दिया, और वो पहला भी फिर एक दिन के बाद पहला जो ठीक किया था वो भी टूट गया, मतलब उसके दो लेग टूट गए, किसी काम का नहीं रह गया। तो मैंने बस यूं ही प्लेस किया हुआ है कैमरा, प्रॉपर जो है शूट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। ऑर्डर कर दिया है, कल परसों तक आ जाएगा। डिस्कशन आप मत आना यहाँ पे मम्मी। What? अभी नहीं, काउंट करो। गेम चल रहा है, छुपन छुपाई चल रही है, कई राउंड हो चुके हैं, सबने सबको ढूंढ लिया है। अब हमने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। अब चीजों गोल लेवल ट्रिक है ना, ये बहुत दिमाग की है जो मेरी है। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि नानी को मैं प्रैंक करके, जैसे नानी पे प्रैंक किया था, मैं आपका प्रैंक करके ये बता दूंगा कि आप उस वाले बालकनी में, लेकिन हम दोनों इस बालकनी में रहेंगे। नहीं, पर्दे के पीछे छुप जाओ, बालकनी में ठंड लगेगी, पर्दे के पीछे पता भी नहीं चलेगा। नहीं अभी नहीं आओ, पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस तुम हिलना मत, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा। सीधा तुम्हारे कपड़े भी ऐसे ही हैं, बस तुम हिलना मत और मुझे छुपने दो। आ जाओ, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे। मैं यहाँ दो बार छुप चुकी हूँ, मजा आ रहा है खेलने में मुझे भी। बाबू को ढूंढना, बाबू को कोई नहीं ढूंढ पाएगा, उसकी ऐसी ऐसी जगह है ना, एक तो छोटा है कहीं भी छुप जाता है। भाई कहाँ छुपे, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे, कहाँ छुपे भाई, कहाँ छुपे। तुम्हें मिल नहीं रहा, ढूंढो ढूंढो कहाँ है भाई। नहीं कहाँ गया सिद्धार्थ, ढूंढो कहाँ, ढूंढो कहाँ, ढूंढो कहाँ, ढूंढो कहाँ, ढूंढो कहाँ है। चादर में नहीं है, घर में नहीं है। मैं कहाँ ढूंढो, कहाँ ढूंढो, कहाँ ढूंढो। बाबू आ जाओ, मैं नहीं ढूंढ रही, ढूंढ के दिखाओ। ऊपर कहाँ छुपेगा, ऊपर जाएगा कैसे। मम्मी बेड के नीचे देख रही थी पहले वाली गेम में, मैं कहा बेड के नीचे कैसे छुपेगा, इतनी तो जगह भी नहीं है। आपको लग रहा है मैंने ऊपर चढ़ा दिया उसको,
वो बहुत ऊपर है, वहाँ नहीं चढ़ पाएगा। कहाँ है कहाँ है कहाँ? चैलेंज चैलेंज। चलो तो आप ढूंढो उसको, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ बैठ के। सिद्धार्थ के खूब मजे हैं भाई, खेल रहा है। और आज जो हमारा सामान है वो आने वाला है, अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आ जाएगा आज। आज मंगलवार है, मैंने बोला था ना मंगलवार को आ रहा है, तो शायद 9:30 तक या फिर 10 o'clock तक आए, ऐसा कुछ एस्टिमेटेड टाइम है। तो आज मैं दिखा दूँगी आपको कि क्या क्या आ रहा है जब वो डिलीवर होगा। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस सामान के लिए। मम्मी अभी भी परेशान होते हुए क्योंकि इनको सिद्धार्थ मिल नहीं रहा है, पता नहीं कौन से कोने में छुप गया है। कहाँ चला गया भाई मेरा बेटा? सिद्धार्थ को इतने मजे आ रहे हैं ना। मैंने परछाई में ऐसे ऐसे देख लिया कुछ। ले सिद्धार्थ बुद्धू राम, नहीं तो नानी तुम्हें ढूंढ नहीं पाती बेटा। ये पहले पर्दे वहाँ छुपा हुआ था, जब आप किचन से बाहर निकले ना, किचन में गिनती गिन के बाहर निकले तो ये भाग के किचन में चला गया। अच्छा, किचन में तो मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, तो मैं परछाई देख ली कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। अगर तू हिलते डुलते नहीं ना तो नानी तुम्हें नहीं पकड़ पाती। अब देखो, अब पहली बार तो 15 मिनट लगे मम्मी को ढूंढने में। मुझे क्या पता, दो सेकंड। फ्रेंड्स अब मैं करूंगा, इन दोनों को ढूंढूंगा और व्लॉगिंग भी मैं ही करूंगा। ऐसी जगह है बहुत, ऐसी जगह है ना कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे, बस इतना ज्यादा। तुम तुमको मोटा लगा होगा ना पर्दा? नहीं पर्दा वर्दा मोटा नहीं लग रहा था, पर्दा ऐसे ही आप हो ही कितने मोटे जो मोटे लोगोगे। ये इसको पता है ना कि हम लोग कहाँ छुप सकते हैं, तो वही जगह ढूंढ रहा है। चलो जी बैक टू वर्क। ना, 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 ना। हम लोग किचन में, पहले मैं पूजा कर लूं फिर किचन में। ये जलाने का टाइम हो गया। जम कुबेर दिख पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। ये मुझे पूरी याद है, ये मुझे बचपन से। आपको एक बार याद है हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किए थे बहुत पहले, बहुत छोटे थे, एक बार याद है ना? तब की जो याद की तो भूली नहीं, पर ये लेके मैं बैठती हूँ इसलिए ताकि कहीं एक आठ लाइन आगे पीछे ना हो जाए। आती हमको भी है लेकिन हम भूल जाते पढ़ते पढ़ते। अब बहुत दिन से अब की बार पढ़ा भी नहीं। तो हमारी मंगलवार की पूजा हो गई, चलो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। कपूर बाती भी आज बन रही है, ब्रोकली तुम्हारी फेवरेट। प्रसाद बांट अरे हाँ प्रसाद भी चढ़ाया मैंने। फेवरेट किसने बोला? फेवरेट तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं इसीलिए तुम्हारी फेवरेट। जब तक तुम्हें वो पसंद नहीं आ जाती मैं रोज बनाऊंगी। मम्मी आप बांट दो यार, ऐसे नहीं होता। लाओ पहले मैं कोई दे दो, पति जी के लिए भी बचा देना, पति जी के लिए। आज बन रही है ब्रोकली और मशरूम, जो जो उस दिन मैंने बनाई थी ना वैसे ही बना रही हूँ फ्राई करके। अरे गले में पानी, पानी मेरा ग्लास कहाँ है? उधर रुको लेके आती हूँ। तो वही बन रही है, मम्मी को ब्रोकली बहुत पसंद है, उनको मशरूम भी बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ब्रोकली और वो बनाऊँगी और थोड़ी सी उनको मैं, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं की है वो बटर और गार्लिक वाली मशरूम,
वो मुझे बहुत पसंद आई थी, मुझे पता है उनको भी अच्छी लगेगी, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो ये दो रेसिपी बनेंगी, ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, तो क्या शेयर करूँगी दोबारा, थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। ये डिनर जो है वो रेडी हो गया है। ये है फ्राइड राइस, बहुत ज़्यादा स्टीम आ रही है इसलिए दिख नहीं रहा है ठीक से। ये मैंने बनाया है फ्राइड राइस, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, मन कर रहा है फटाफट इनको खा लिया जाए। तो फ्राइड राइस है, उसके साथ में ये मशरूम, ये बस मैंने मम्मी को टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी बनाई है, जो बटर मशरूम होता है ना वो बनाया मैंने, और साथ में ये मशरूम और ब्रोकली का फ्राइज। मशरूम एंड ब्रोकली फ्राई की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, अभी रिसेंटली शेयर किया है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत यम बनता है, बहुत इजी है, बहुत हेल्दी है। तो आज का ये डिनर है, और कुछ कुछ चीज़ें लेफ्ट ओवर हैं तो वो भी हमारे डिनर में हो जाएंगी। डी टी रिवील। हाँ तो भाई डीटी आ गया है, डीटी रिवील होने जा रहा है। नहीं डीटी बोल दिया तुमने बस, अब जब आएगा तब पता चलेगा, जा रहे लाने के लिए, नीचे आ चुका है सामान। डीटी से डीटी आने वाला है, डीटी से फीलिंग बेटर। मैं यहाँ पे साफ कर रही थी बर्तन, तब तक आ गया फोन आधे अधूरे से, मतलब ये साफ हो गए, वो साफ हो गए, इधर का पोर्शन अभी क्लियर करना है, सब खाली करना है, यहाँ पे हल्दी वाला दूध बनाना है, ये कुछ लेफ्ट ओवर है इसको भी ढक के रखना है, ये साफ करना है, मतलब हो ही जाता है ना ये सब, तो ये रात को क्लीन करके सोना पड़ता है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 10, अभी आया सामान, 9:30 बजे तक एक्सपेक्टेड था, चलो 10 बजे तो भेज ही दिया कम से कम। तो अभी मेरे को किचन में काम है, 40 मिनट्स का और है क्योंकि मुझे दूध वगैरह भी बनाना है। मेरी शक्ल बहुत ख़राब लग रही है, कोई बात नहीं, मैं कल तैयार होंगी। मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा तैयार होने का मन नहीं करता। आज 3 दिन बाद मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ सही में। माइग्रेन का कोई इलाज हो बढ़िया सा तो मुझे बताइएगा, मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहती हूँ, बस योगा जो होती है नेक वगैरह की वो थोड़ी बहुत कर रही हूँ, बाकी आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना। क्या करना है इसका? नीचे गिर गया क्या? अच्छा आ गया हमारा शू बैग, और अब दूसरी चीज आ रही है।